हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय वर्ग 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए जो कुल 31,982 पद है उनके लिए एग्जाम संपन्न हो चुकी है। आप लोग एग्जाम दे चुके हैं ऑलरेडी, आयोग के तरफ से आंसर की भी जारी कर दिया गया है और आप लोगों ने मिला लिया होगा। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन खास करके गणित और विज्ञान विषय के बारे में यदि बात किया जाए तो एक क्वेश्चन को टफ ही माना जाएगा। टफ इसलिए माना जाएगा कि बहुत सारे 9-10 लेवल या फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान नहीं कहा जा सकता लेकिन बहुत टफ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन का लेवल ठीक ही था। और सामाजिक विज्ञान के बारे में यदि बात किया जाए तो सामाजिक विज्ञान में भी लगभग क्वेश्चन मॉडरेट यानी कि इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते तो बहुत खराब भी नहीं कह सकते, एकदम सामान्य लेवल का था। हिंदी का भी आप लोगों ने देखा होगा इसी टाइप का, अंग्रेजी का, संस्कृत का और उर्दू का आप आंसर की भी मिला लिए हैं। मैं वोटिंग करवाई इसमें पता चल रहा है कि जो है सारे के सारे लोग हाईएस्ट को ही पिकअप करते हैं तो वो उससे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कट ऑफ आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, एक अनुमान लगा रहा हूं। देखिएगा इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गणित एवं विज्ञान अनारक्षित सीट के बारे में। और हाँ, एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि यहां तक जो है 50% सीट महिलाओं का होता है और 50% पुरुषों का होता है, ऐसा प्रावधान है। तो एक बात आप गौर कीजिएगा, जैसे 5850 सीट यदि पुरुष का है तो महिलाओं का भी इसी के आसपास यानी 5608, ये रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर इतना थोड़ा सा जो अंतर दिख रहा है तो देखिएगा बराबर लगभग सीट है। 5600 इधर भी है तो 5600 इधर भी है, 4100 इधर है तो 4000 इधर भी है, तो आप एक देख सकते हैं कि इसमें 50% महिलाओं की भूमिका होती है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इसका कट ऑफ किया जाएगा, क्या कैंडिडेट की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा कि सीटेट भले टीईटी ना होता हो बिहार में, लेकिन ये डोमिसाइल हटा देने के बाद ये सीटेट ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स बैठते हैं और इस फॉर्म को भरते हैं। साथ ही साथ इस बार नियोजित टीचर भी सब लोग भरे हैं, तो आप मैक्सिमम लोग भरे हैं। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स को देखा जाए तो कैंडिडेट्स इसमें अपीयर बहुत ज़्यादा हुआ है और सीट उस हिसाब से उतना है नहीं, तो कट ऑफ का थोड़ा सा हाई होना तय है। आप मान के चलिए कि गणित और विज्ञान विषय में चूँकि सीटेट पेपर 2 में जो क्वालिफाई जितने भी लोग रहते हैं बीएड किए हुए रहते हैं वो यहाँ पर एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो इसलिए इसमें कट ऑफ जो है हाई जाने की पॉसिबिलिटी है। तो गणित और विज्ञान विषय का यदि कट ऑफ यानी आपने यदि 70 के आसपास आपने प्राप्त किया है आयोग के आंसर के आधार पर, यानी आयोग के कुंजी आंसर कुंजी के आधार पर यदि आपको 70 प्लस नंबर आ रहा है, आप यूआर कैटेगरी के हैं यानी 70 से 72 नंबर के बीच यदि आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये कट ऑफ मैं बता दूं कि ये प्लस भी जा सकता है यानी अधिक भी हो सकता है, क्यों इसमें करीब आप मैं आपको बता दूं कि इसमें प्लस 5 आप कर सकते हैं यानी हाईएस्ट यानी 70 से 75 के बीच आपका यदि मार्क्स आ चुका है यानी गणित और विज्ञान विषय से आप हैं, जनरल कैंडिडेट हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यानी 75 के आसपास। 60% तो मिनिमम आपको क्वालिफाई करना ही होगा, 60% लगभग लाना ही होता है, तो ही चूँकि कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी अधिक है। और आपको पता होगा कि आपने 30 नंबर किसका दिया, हिंदी का दिया और 120 नंबर, तो आपका जो मेरिट बनेगा तो इसी 120 यानी 40 प्लस उधर आपका सब्जेक्ट 80 तो इस पे 120 पे बनेगा तो 12×6=72। आपको पता होगा कि 60% कितना होता है 72, तो आप यदि 72% लेके आ जाते हैं तो आप निश्चित रूप से गणित और विज्ञान के शिक्षक के पद पर बन सकते हैं, रह सकते हैं।
और जहां तक महिलाओं की बात है तो महिलाओं को मैं बता दूं कम से कम 50% आप यदि लेके आ जाते हैं तो कितना बार 65 यानी 60+ यदि जनरल की महिलाएं हैं तो आप निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन यानी आप सेफ जोन में कर सकते हैं अपने आप को। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान आपको पता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ वाला जो सब्जेक्ट यदि कोई है वो सामाजिक विज्ञान है। यहाँ पर 60% से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ये एकदम जेन्यून बात है, आप इसको मानिए अथवा ना मानिए हकीकत यही होगा। तो अब इसमें सीट के बारे में यदि देखें तो मेल का जो सीट है 4180 है और फीमेल का 4036 है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि 60% वाली बात नहीं होगी, यानी कि कम से कम 65% आपको जो है ले जाना ही पड़ेगा। यानी 65% का मतलब कितना हो गया, 78 नंबर, यानी 78 से 80 के बीच ही, यानी इससे ऊपर यदि आपका नंबर है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि इससे कम नंबर है तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल हमको नहीं लग रहा है कि सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि सोशल साइंस है, सोशल साइंस में थोड़ा भीड़ होता ही है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, सीट कम है, तो ये 78 से 80 नंबर तक आपका हो सकता है। यदि वहीं पर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं का क्या हो जाएगा कि आप 120 का 60% ही निकालिए, यानी 70 से 72 नंबर यदि महिलाओं को आता है, खास करके जनरल महिलाएँ और ये सामाजिक विज्ञान में, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी का। हिंदी में देखिएगा 1722 यदि पुरुष का सीट है तो निश्चित रूप से महिलाओं का सीट 1739 है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं हिंदी, हिंदी में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट नहीं होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 120 का यदि आप 55% भी आप लेके आ जाते हैं, यानी कि देखिएगा 55% भी लेके आ जाते हैं, 65 से लेके 70 नंबर के बीच यदि आपको आ जाता है तो जनरल कैटेगरी के लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। महिलाएं यानी 60 नंबर के आसपास यदि महिलाओं को है तो वो हिंदी का टीचर 6 to 8 में बन सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं होगा। इंग्लिश की बात यदि करें तो इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें नहीं होता है, तो इसमें भी आपको मैं बता दूँ कि यदि आप 70 नंबर तक लेके आ जाते हैं और यूआर कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जहां तक कैटेगरी की बात है तो इसमें आप 5-5 घटाते चलिएगा, 6-6 घटाते चलिएगा, तो फिर आप लोग सेफ जोन में हैं। जब मैं यूआर का बता दे रहा हूं तो आप उस आधार पर अपना निश्चित रूप से निकाल लीजिएगा। अगर मैं सारा कैटेगरी वाइज बताना स्टार्ट कर दूं तो निश्चित रूप से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महिलाओं का कितना हो जाएगा। महिलाएं यदि 60 नंबर के आसपास है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इंग्लिश टीचर के रूप में हो सकता है, उसे भी कम में हो सकता है। यहाँ पर संस्कृत में देखिएगा, संस्कृत में तो और कैंडिडेट कम होता है, तो संस्कृत में मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए पुरुष का कितना है 1133 है, महिलाओं का सीट कितना है देखिएगा 1004 है। तो आपको मैं बता दूं संस्कृत के लिए, संस्कृत में महिलाओं के बारे में आप लोगों को पता है, महिलाएं जो है यदि कितना परसेंट, यदि 50% भी लेके आ जाती है तो यहाँ पर कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होता है, सबसे दिक्कत वाली बात यही है। तो कैंडिडेट यदि उपलब्ध हो जाता है तो यहाँ पर मिनिमम कटअप में भी सिलेक्शन हो जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उर्दू के बारे में यदि बात करें तो उर्दू में देखिएगा 941 पुरुष में है और कितना 1004 जो है, हाँ 1004 ये महिलाओं में है, तो निश्चित रूप से उर्दू का कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है। तो अगर इसमें आप 60% मार्क्स भी लेके आ जाते हैं, 60% छोड़िए 50% मार्क्स भी लेके आ जाते हैं तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो ये मैं आपको यूआर का सिर्फ बताया, और आप मैं बता दूं कि इसे कम ही नंबर, यानी कि इसमें हाईएस्ट कितना, यानी कि 70% तक, 70% का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, यानी 65% तक, 65 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 120 का 70% देख लीजिएगा, तो 70% कितना हो जाएगा आपको 84 हो जाता है। 80 तक नंबर यदि आप लोग यूआर कैटेगरी के सारे लोगों को एग्रीगेट रूप से मैं बता दूं, 80 नंबर तक, 75 से 80 नंबर तक जो भी लाए हैं विभिन्न कैटेगरी के, तो आप लोग सुरक्षित जोन में हैं और कैटेगरी में है, खास करके EBC और SC में है, ST में है, BC में है, तो आप
80 से बिलो भी आपका मार्क्स है, 75 से बिलो भी आपका मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन होगा। मैं जनरल के बारे में 75 से 80 बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का इससे आगे नहीं जाएगा। आप लोग जरूर देखिएगा इस चीज़ को दोस्तों। तो बस हमारा यह एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और लगातार अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।